हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तेज प्रसाद टेक्निकल न्यूज इसरो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टाइम पर भारत में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज मेकर कंपनियां हैं, सब ईयरबड्स के तरफ ध्यान दे रही हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आईटेल, जो यह एक स्मार्टफोन मेकर कंपनी है, इसने भी अपने पहले TWS ईयरबड्स को आज भारतीय मार्केट में कर दिया है लॉन्च, जिनका नाम कंपनी ने ITW60 रखा है। प्लास्टिक मटेरियल से बने हुए हैं, देखने में काफी छोटे और काफी अट्रैक्टिव हैं, जिनको आप ट्रेवल टाइम आराम से कैरी कर पाएंगे। इसके अलावा ये काफी कंफर्टेबल डिजाइन के साथ आते हैं। ये भारतीय मार्केट में ब्लैक और व्हाइट कलर में परचेस करने के लिए उपलब्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी आईटेल के पहले TWS ईयरबड्स के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं इन के कनेक्टिव फीचर्स के बारे में, तो इसमें कंपनी आपको ब्लूटूथ 5.0 दे रही है, जो आपके एंड्रॉइड, iOS और विंडो जैसे गैजेट के साथ कनेक्ट होने वाली। इनकी जो कनेक्टिविटी रेंज है वो 10 मीटर की होने वाली है। हालांकि इसमें आपको ऑटो पेयरिंग की भी सुविधा कंपनी देती है, तो काफी अच्छा फीचर है एक सस्ते TWS के अंदर। और दोस्तों, अगर बात करें इन TWS ईयरबड्स के साउंड क्वालिटी के बारे में, तो यहां पर कंपनी इनमें आपको 13mm का एक बड़ा सा ड्राइवर उपलब्ध करवा रही है, जिनमें आपको डीप बेस की सुविधा कंपनी दे रही है, जिससे कि आपको एक क्लियर, बैलेंस्ड और रियल टाइम साउंड क्वालिटी इन TWS ईयरबड्स के अंदर से सुनने को मिलने वाली है, जो बेसफुल होने वाली है। हालांकि दोस्तों, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि गेमिंग मोड तो नहीं आपको इनमें मिलता है, पर आपको लो लेटेंसी का फीचर इन TWS ईयरबड्स के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो इतने सस्ते TWS ईयरबड्स के अंदर शायद ही आपको दूसरे ब्रांड के अंतर्गत देखने को मिले। मतलब कि काफी अच्छी साउंड क्वालिटी आप लोगों को इन TWS ईयरबड्स के अंदर से मिलने वाली है। इसके साथ इन TWS ईयरबड्स के बैक साइड पर आपको एक टच कंट्रोल पैनल कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जिससे आप कॉल को कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर पाएंगे, उसके वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर पाएंगे, इसके अलावा म्यूजिक को भी कंट्रोल कर पाएंगे। इसके साथ इन TWS ईयरबड्स के अंदर कंपनी आपको गूगल और सीरी जैसे वॉइस असिस्टेंट को कमांड देने की भी सुविधा दे रही है। और अगर बात करते हैं और फीचर्स के बारे में, तो इनमें आपको सिंगल माइक्रोफोन कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जिनके साथ आपको नॉइस कैंसिलेशन की सुविधा नहीं मिलने वाली, जिससे कि आपको भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में इन TWS ईयरबड्स का उपयोग करने में दिक्कत महसूस हो सकती है। और इन TWS ईयरबड्स के अंदर आपको वाटर रेजिस्टेंट का भी फीचर देखने को नहीं मिलने वाला है, तो इनको आपको पानी से और धूल मिट्टी से बचाना भी पड़ेगा, जो काफी निराशाजनक है इन ईयरबड्सों के अंदर। क्योंकि मेरे हिसाब से जितने भी ईयरबड्स हों, उनके अंदर आप लोगों को वाटर रेजिस्टेंट का फीचर तो मिलना ही चाहिए। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं इन आईटेल ईयरबड्स के बैटरी के बारे में, तो इनके अंदर कंपनी आपको 35mAh की बैटरी देने वाली है, जो एक बार चार्ज होने के बाद 3 घंटे का बैकअप देने वाली है। इनके चार्जिंग केस पर कंपनी आपको 500mAh की बैटरी देने वाली है, जो आपको 35 घंटे का लंबा बैकअप देने वाली है। चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आपको USB 2.0 देने वाली है। दोस्तों, अगर बात करते हैं फाइनली इन TWS ईयरबड्स के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो यह ऑलरेडी आईटेल जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से परचेस करने के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा यह फ्लिपकार्ट में भी आप लोगों को मिलने वाले हैं, और इनकी कीमत कंपनी ने 1699 रुपए रखी, काफी कम प्राइस है एक गेमिंग TWS ईयरबड्स के लिए, क्योंकि इनमें आपको एक्स्ट्रा बेस और लो लेटेंसी जैसा फीचर मिलता है। हालांकि इनमें आप लोगों को वाटर रेजिस्टेंट और नॉइस कैंसिलेशन जैसी सुविधा नहीं मिलती है। तो अगर आप लोग एक गेमर्स हैं और आप खासकर गेमिंग के लिए TWS ईयरबड्स परचेज करना चाहते हैं, तो यह TWS ईयरबड्स आप लोगों के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं, और इसके साथ ये काफी सस्ते भी हैं। आप लोगों का क्या विचार है इन आईटेल के पहले TWS ईयरबड्स के बारे में, जो भी हो दिल में विचार, कृपया नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा।